हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन्वेंटरी की रिगार्डिंग जो भी बेसिक बातें हैं वो सब करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले अपन इन्वेंटरी को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द इन्वेंटरी? सो इन्वेंटरी इट इज नथिंग बट द स्टॉक ऑफ Any items or products, which are to be used in future. ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स का या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का हम स्टॉक करने की बात करते हैं, जिसका यूज हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं भैया इन्वेंटरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी। ठीक है, तो जैसे यदि मैं बात करूं इन्वेंटरी का सिंपल एंड साधारण शब्दों में मीनिंग क्या होगा, तो स्टॉक। ठीक है, तो आप है ना अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे जगह देख सकते हैं जहां पे हम लोग स्टॉक करने की बात करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स का। जैसे आप अपने घरों में भी है ना, जब जैसे आप अपने घरों में बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसका यूज हम आप फ्यूचर में करने वाले हो, लेकिन आप पहले से इसको क्या करके रखते हो? स्टॉक करके रखते हो। ठीक है, आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए। जैसे कि मैं कार शोरूम की बात करूं, ठीक है, तो कार शोरूम में नंबर ऑफ कार्स पहले से ही स्टॉक होकर रखा हुआ रहता है, जिसका यूज हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। ठीक है, जिसका यूज हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं। तो अभी मैंने बोला एक कार शोरूम, ठीक है, तो कार शोरूम के एग्जांपल के थ्रू हम लोग इन्वेंटरी को और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं कि यहां पे भैया ये है कार शोरूम। ठीक है, तो इस कार शोरूम में हम नंबर ऑफ कार्स का क्या करेंगे जी? स्टॉक ऑफ कार। और ये कार क्या हो गया? मेरा प्रोडक्ट हो गया या फिर आइटम्स? स्टॉक ऑफ कार्स। अभी कार शोरूम में है ना, कार का स्टॉक आप कैसे कर पाएंगे? तो आपके पास नंबर ऑफ कार्स होना चाहिए। तो उन नंबर ऑफ कार्स को है ना आप ऑर्डर करोगे, ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर रिसीव करोगे, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, कार का स्टॉक कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ऑर्डर किसको करने वाले हो आप? सप्लायर होगा इधर। ठीक है, इधर यहाँ पे क्या है? सप्लायर। इधर है यहाँ पे सप्लायर। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं है ना, जिससे अपन कनेक्ट करेंगे इन्वेंटरी को। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इधर है सप्लायर, तो इस सप्लायर को ना आप ऑर्डर प्लेस करोगे। इस सप्लायर को बच्चे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जितने भी नंबर ऑफ कार आपको चाहिए रहेगा तो आप ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक, अब ये सप्लायर से आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कार्स आप ऑर्डर प्लेस किए रहेंगे उसको क्या करने वाले हो? रिसीव करने वाले हो। तो ये है आपके पास ऑर्डर रिसीव। और ऑर्डर रिसीव कर लिए तो आप फिर क्या करोगे, सिंपली है ना उन कार्स का स्टॉक कर पाएंगे। अब स्टॉक क्यों करेंगे भैया? तो विच आर टू बी यूज इन फ्यूचर है ना, जिसको हम फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टॉक किए। तो यूज किस पर? अच्छा, किस तरह से आप करोगे? तो नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे आपके कार शोरूम में, ठीक है, कार परचेस करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आप यूज करोगे। तो इधर आप क्या करने वाले हो? मार्केट में आपने इसको सेल करने वाले हो बच्चे। इधर है मार्केट और इसी को हम बोल सकते हैं कस्टमर्स डिमांड। ठीक है, तो इधर आप क्या कर दोगे भैया? जो स्टॉक करके रखे हैं कार्स अपने शोरूम पे, ठीक है, उसको सेल कर दोगे आप। उसको क्या कर दोगे बच्चे? सेल कर दोगे। ठीक, तो इस तरह से होता है भैया इन्वेंटरी। तो बेसिकली इन्वेंटरी का मीनिंग होता है स्टॉक करके रखना एनी नंबर ऑफ आइटम्स और एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसका यूज आप फ्यूचर में करने वाले हो। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंटरी। नाउ, तो जब हम इन्वेंटरी की बात कर रहे होते हैं तो इन्वेंटरी में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जैसे अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात तो एनुअल डिमांड।
एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। और इस एनुअल डिमांड को मैं डिनोट कर रहा हूं बच्चे किससे, कैपिटल डी से, कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो एनुअल डिमांड क्या होगा, तो एक कस्टमर का ही डिमांड होगा, कस्टमर का ही डिमांड होगा कि एक साल में कस्टमर्स के द्वारा कितने नंबर ऑफ कार्स का डिमांड है, ये होता है एनुअल डिमांड। ठीक है, तो एनुअल डिमांड में हम बात करें, सो एनुअल डिमांड दिस इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में जैसे अभी मैंने बताया कि कार, ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक, रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर पर ईयर, ठीक है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर पर ईयर, ये कहलाता है आपका एनुअल डिमांड। ठीक है जी, और एनुअल का मतलब होता है ईयर बेसिस पे बात करना, एनुअल का मतलब होता है ईयर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला डी इक्वल्स टू ठीक 12,000 यूनिट्स पर ईयर, 12,000 यूनिट्स पर ईयर, तो ये क्या हो गया मेरा कस्टमर के द्वारा डिमांड है ये, ठीक है, कस्टमर को रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ कस्टमर को रिक्वायर्ड है एक साल में कितना 12,000 यूनिट्स का, तो यही तो है एनुअल डिमांड, यही तो क्या है आपका एनुअल डिमांड। ठीक है, तो जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं इन्वेंटरी का, तो आपको आपको ना जो डिमांड है कई बार आपको हाफ ईयरली भी दे दिया रहेगा, मतलब सिक्स मंथ में कितने डिमांड है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का डिमांड है कस्टमर के द्वारा, ठीक है, मंथली भी बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टाइल है यार, कभी मंथली बोल दिया जाएगा डिमांड को, तो कभी हाफ ईयरली बोल दिया जाएगा, तो कभी ईयरली बोल दिया जाएगा। लेकिन जनरली यदि मैं बात करूं तो जो डिमांड होता है ना वो ईयरली बात होता है भाई, कैसा बात होता है ईयरली, तो आप नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो ये बातें आप फील कर पाएंगे। तो ये तो हो गया एनुअल डिमांड। नाउ कंजप्शन रेट की बात करते हैं हम लोग, कंजप्शन रेट, इस कंजप्शन रेट को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल आर से। तो ये कंजप्शन रेट कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये डिमांड का ही पार्ट है एक्चुअली, दिस कंजप्शन रेट इज नथिंग बट दी पार्ट ऑफ द डिमांड बाय द कस्टमर। कि भैया आप देखिए, जैसे एक साल में नंबर ऑफ कार्स का जो रिक्वायरमेंट बाय द कस्टमर, सपोज मैंने क्या बोला डी इक्वल्स टू 12,000 यूनिट्स पर ईयर, यही बोला ना, ठीक है, तो ये पर मंथ कितना कंज्यूम कर रहा होगा, मतलब 12,000 यूनिट्स पर ईयर, ये तो डिमांड है कस्टमर का, जिसको आप एनुअल डिमांड बोले, ठीक, लेकिन ये एक ही बार में तो कंज्यूम नहीं कर लेगा कस्टमर के द्वारा, जो 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है प्रोडक्ट का, वो एक ही बार में तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, एक ही बार में तो परचेस नहीं कर लेगा वो कस्टमर जो है, समझ रहे हैं क्या बात को, ठीक है, या फिर आप एक ही बार में तो सेल नहीं कर दोगे 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स को, ये तो पर ईयर का डिमांड है ना, एनुअली डिमांड है ना, ठीक है, तो ये किस तरह से कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन रेट। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन रेट, और कंजप्शन रेट को है ना हम जनरली पर डे के हिसाब से है ना बात करते हैं, पर डे के हिसाब से बात करते हैं भाई, ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर्स पर डे, दिस इज कॉल्ड कंजप्शन रेट एक्चुअली। ठीक है जी, अच्छा, तो ये कंजप्शन रेट को हम जैसे है ना फाइंड आउट करना चाहे, कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो ध्यान से सुनना,
ठीक है, जैसे आपको एनुअल डिमांड पता है, जैसे आपको एनुअल डिमांड पता है और एनुअल डिमांड की मदद से आप कंजप्शन रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो कैसे कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? तो देखना, मैं यहाँ पे कुछ सपोज कर लेता हूं, लेट 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 वन ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, ठीक है। यदि मैं मंथ में बात करूं, नंबर ऑफ मंथ कितने होंगे तो वन ईयर में, और वन ईयर में यदि मैं नंबर ऑफ डेज बात करूं तो ऐसा मैं अभी सपोज कर ले रहा हूं कि 300 नंबर ऑफ डेज है वन ईयर इक्वल्स टू, इस तरह से। तो कई बार क्वेश्चन में आपको मेंशन भी होता है ना, तो सर वन ईयर इक्वल टू 365 डेज होता है। हाँ होता है ना भाई, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि वन ईयर आपको 300 डेज कंसिडर करना है, तो क्या कर लोगे आप? आप थोड़ा बोलोगे कि 365 डेज होता है भाई एक साल में, तो मैं 365 डेज ही बात करूंगा, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना आप। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सपोज मैंने कर लिया यहां पे कि वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स है ना, 12 मंथ्स तो होता ही है, और वन ईयर इक्वल टू 300 डेज ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो आप कंजप्शन रेट कैसे बात करोगे? तो पहली बात तो है ना, आपको वन ईयर में कितना कितना रिक्वायरमेंट है भाई कस्टमर का, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना रिक्वायरमेंट है कस्टमर के द्वारा, ये पता होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल है ना आपको पता है, अभी तो फिलहाल आपको पता है भाई, ठीक। तो आपको यह चाहिए कंजप्शन रेट, कंजप्शन रेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, वन ईयर में जितना भी रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स का बाय द कस्टमर, ठीक है, दैट इज 12,000, इसको डिवाइड कर दोगे किससे भी है, यदि मंथली पूछा गया है तो 12 मंथ से, अच्छा 12 नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिलेगा क्या, ये 1000 यूनिट्स पर मंथ। यदि मंथली कंजप्शन बात करें अपन, इसमें मंथली कंजप्शन बात करें कि पर मंथ कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है, तो कितना भैया 1000, इफ 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर ईयर बाय द कस्टमर, देन 1000 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड मंथली, यही बोलेंगे, ये भी एक कंजप्शन रेट ही है। लेकिन जनरली हम ना पर डे के हिसाब से बात करते हैं भाई कंजप्शन रेट को, यदि मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मंथली बात नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मंथली बात किया मैं कंजप्शन रेट को, लेकिन इसके अलावा यदि मैं नंबर ऑफ डेज में बात करूं, यार नंबर ऑफ डेज में, या फिर मतलब डे वाइज, एक्चुअली डे वाइज कैसा कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, तो कैसे बात कर पाएंगे? आर इक्वल्स टू, ठीक है, आपको पता है क्या कि ईयरली कितना नंबर ऑफ यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, तो 12,000 है भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज वन ईयर में कितने होते हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बोला हूं मैं यहां पे 300 डेज, तो 300 डेज से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा आपको डियर, ये 3×12=40 ऐसा कुछ मिलने वाला है, 40 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड पर डे, इस तरह से। देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है जस्ट एप्टीट्यूड काइंड ऑफ सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, जस्ट एप्टीट्यूड काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं थ्योरेटिकल बात ये नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन होती है ना, थ्योरेटिकल बातें भी होती है भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा बड़ा बड़ा कंसेप्ट बात होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड काइंड ऑफ मतलब आपका जो थॉट है वो कैसा चलना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल बेस्ड चलना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक। अब यदि मैं आपको बोल दिया जैसे कि कंजप्शन रेट को जनरली मैं पर डे के हिसाब से बात करूं, क्वेश्चन में बोल दिया गया मंथली, तो आप क्या करो, एनुअल जो डिमांड है ना, एक साल में जितना नंबर ऑफ यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है बाय द कस्टमर, ठीक, तो उसको आप एक साल में जितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, तो मंथली आपका कंजप्शन रेट पता चल जाएगा। क्योंकि कंज्यूम का मतलब क्या हुआ भाई, जो ईयरली बेसिस पे रिक्वायरमेंट वही तो कंज्यूम होगा ना यार मंथली, एक बार में थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा, मंथली कंज्यूम होगा ना। डे वाइज बात करेंगे तो डे वाइज भी बिल्कुल कंज्यूम होगा, ठीक है। यदि कार शोरूम में बात करें अपन, है ना, आपका कार शोरूम है जैसे कि, ठीक है, तो इसमें जो कस्टमर आएंगे ऐसा तो नहीं है कि एक साल बाद सभी कस्टमर एक साथ आ जाएगा करके, और एक साल के अंदर में है ना
एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है और एक साथ आ रहा है एक साल बाद, ऐसा नहीं बोलोगे ना। पर डे के हिसाब से भी कस्टमर आ रहे हैं भैया कार परचेस करने के लिए, और आप सेल भी कर रहे हो पर डे के हिसाब से, ठीक है। वीकली अकॉर्डिंग भी आप सेल कर रहे हो यदि वीकली एनालिसिस करो तो, मंथली एनालिसिस करो तो मंथली भी आप क्या कार को सेल कर रहे हो, कस्टमर क्या कर रहे हो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ओके, तो कंजप्शन रेट इस तरह से बात किया जाएगा। यदि मंथली बोला जाएगा तो आप मंथली भी बात कर सकते हैं, मंथली किस रेट से कंज्यूम हो रहा है। डे वाइज बात करें तब भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जनरली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पर डे के हिसाब से ही ज्यादातर बात होती है भाई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है ना टर्म्स है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपके पास लॉट साइज, नेक्स्ट होता है आपके पास लॉट साइज। और इस लॉट साइज को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल एक्स से, ठीक है। इस लॉट साइज को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल एक्स से। तो देखिए यार, ये जो लॉट साइज होता है ना, इसी को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, इसी को हम ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम टोटल कंजप्शन भी बोलते हैं, टोटल कंजप्शन ड्यूरिंग द साइकिल, ड्यूरिंग द साइकिल। सर ड्यूरिंग द साइकिल का, साइकिल का मतलब क्या हुआ? तो देखिए हम लोग इन्वेंटरी में नंबर ऑफ मॉडल्स की बात करते हैं, तो मॉडल्स में ना हम वहां पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइकिल आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस साइकिल के दौरान है ना, एक साइकिल के दौरान जो टोटल कंजप्शन होता है उसी को हम ना एक्स बोलते हैं, और एक्स के आपके पास लॉट साइज। तो इसको यदि मैं डिफाइन करने जाऊं तो कैसे डिफाइन कर पाऊंगा, दिस इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। एक बार जब आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट का, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने ऑर्डर किया, वही कहलाता है आपके पास लॉट साइज, वही कहलाता है आपके पास ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ठीक है, वही कहलाता है आपके पास टोटल कंजप्शन, ठीक है। यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, टोटल कंजप्शन, ठीक है। और ये क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी। तो तीनों का मतलब सेम होता है, ध्यान रखेंगे बच्चे, ये ऑर्डर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बात किया हुआ था एक कार शोरूम का एग्जाम्पल लेके। तो इतना वाले पार्ट को मैं कंसिडर करूं, आइए, तो इतना वाले पार्ट को मैं कंसिडर करूं, ये ठीक है। तो ये कार शोरूम में कार का क्या होने वाला है, स्टॉक होने वाला है, मतलब इन्वेंटरी यहां कहीं पे दिखने वाला है आपको, इन्वेंटरी यहां कहीं पे दिखने वाला है, बिल्कुल सही बात, ठीक। तो आपको इन्वेंटरी यहाँ पे मेंटेन करना है भाई, मतलब नंबर ऑफ कार्स का स्टॉक करना है, ठीक। तो नंबर ऑफ कार्स भी तो होना जरूरी ना, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे सप्लायर को, ऑर्डर प्लेस करोगे, तो जितना चाहिए उतना आप प्लेस करोगे। सपोज आप क्या कर रहे हो, एक्स इक्वल्स टू 100 यूनिट्स आप क्या किए, प्लेस किए। तो जब आप रिसीव करोगे तो जितना प्लेस की उतना ही तो रिसीव करोगे ना, ये लो भाई, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, जिसको हम लॉट साइज बोलते हैं। दिस एक्स विल बी नथिंग बट व्हाट 100, जिस तरह मैं भी बात किया हूं, 100 यूनिट्स पर ऑर्डर, एक बार में आपने कितना ऑर्डर किया भाई 100 यूनिट्स का। तो ये है आपके पास लॉट साइज। और जितना आप ऑर्डर किए हो उतना आप रिसीव करोगे, उसको स्टॉक करोगे, नहीं। अब स्टॉक करने के बाद इधर क्या होगा, कस्टमर डिमांड होगा, मार्केट होगा, उसमें कस्टमर को आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे,
ठीक है, तो भैया टोटल कंजप्शन भी क्या होगा आपका 100 ही तो होगा ना, एक्स ही तो होगा ना, तो इसलिए मैं बोला कि दिस लॉट साइज इज नथिंग बट टोटल कंजप्शन ड्यूरिंग द साइकिल एक्चुअली। और ये साइकिल का मीनिंग ये है डियर, मैं आगे बात करूंगा ठीक है अगला वीडियो में। ठीक, साइकिल के मीनिंग ये है कि आप पहले क्या किए, ऑर्डर प्लेस किए, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आप ऑर्डर कर रहे हो एक ऑर्डर में उसको प्लेस किए, फिर रिसीव किए, फिर स्टॉक किए, फिर स्टॉक करने के बाद है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये 100 यूनिट्स एक ही बार में सेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि जो 100 यूनिट है, आइए यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पे जो x इक्वल टू 100 है इसको आपने ऑर्डर किया और रिसीव करने के बाद उसको स्टॉक किया तो एक ही बार में सेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ये 100 यूनिट्स एक ही बार में सेल हो जाएगा ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है, हो सकता है एक दिन में आपने 10 यूनिट सेल किया, 10 नंबर ऑफ कार्स को सेल किया, दूसरे दिन 5 नंबर ऑफ कार्स को सेल किया, तीसरे दिन एक भी कार सेल नहीं हुआ, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो इस तरह से ये जो 100 यूनिट्स है ठीक, जिसको एक बार में आपने ऑर्डर किया हुआ है, फिर उसको स्टॉक किया कार शोरूम में अपने, तो वो जब तक पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा, मतलब हमारा जो स्टॉक है जब तक जीरो नहीं हो जाएगा, जितना आपने स्टॉक करके रखा वो जीरो नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका साइकिल चल रहा है, आपका साइकिल चल रहा है, इज दैट क्लियर? और जैसे वो पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब स्टॉक क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आपका साइकिल फिनिश हो गया, आपका साइकिल फिनिश हो गया। तो साइकिल की मीनिंग ये है, तो मैं आगे बात करूंगा है ना, आगे मैं बात करूंगा डियर, आगे मैं बात करूंगा ठीक है, ओके। तो ये हो गया लॉट साइज। अब एक शोरूम का जो ऑनर है ना, उसको डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि अभी तो मैंने बोल दिया कि 100 यूनिट्स आप क्या लॉट साइज रख रहे हो करके, 100 यूनिट्स को आप लॉट साइज रख रहे हो, ऐसा मतलब मैं जस्ट सपोज किया हूं, लेकिन अपने को प्रॉफिट लॉस वाइज भी तो बात करना पड़ेगा ना यार, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाइज तो बात करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आपने है ना, चलो यार मैं ना 10,000 यूनिट्स ऑर्डर कर लेता हूं और 10,000 का डिमांड ही नहीं है भाई, पता चल रहा है वो 10,000 यूनिट्स आपने स्टॉक करके रख लिया, 10,000 आपने ऑर्डर किया फिर स्टॉक कर लिया और स्टॉक होने के बाद वो सेल ही नहीं हो रहा है, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा बताओ? तो एक कार शोरूम का जो ऑनर है उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई, डिसीजन लेना पड़ेगा कि कितना मैं लॉट साइज रखूं, कितना मैं ऑर्डर करूं एक बार में, कितना नंबर ऑफ यूनिट मैं ऑर्डर करूं एक बार में, सो दैट है ना, मेरे को प्रॉफिट यदि नहीं भी होता है तो नुकसान भी मत हो, समझ रहे हैं क्या बात को? या फिर जो कॉस्ट लगने वाला है मेरे को वो कम से कम लगे, ऐसे ही सोचेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पे इन्वेंटरी में हम डिसीजन लेते हैं भाई, ठीक है, इन्वेंटरी की जब हम बात करेंगे, इन्वेंटरी की यदि हम बात करेंगे तो यहां पे ना हम डिसीजन की बात करेंगे, डिसीजन, और ये डिसीजन क्या होगा कि व्हाट शुड बी आवर लॉट साइज हमारा क्या होना चाहिए? तो हम चाहेंगे कि जो लॉट साइज है ये बेस्ट हो, ये लॉट साइज हो कैसा हो, बेस्ट हो, और बेस्ट मतलब जिसमें हमारा किसी भी तरह का नुकसान की बात ना हो भाई, या फिर यदि हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, ओवरऑल हम कॉस्ट की बात करें वो मिनिमम हो, तो ऐसा कौन सा बेस्ट लॉट साइज होगा उसको हम ना यहाँ पे अपने को डिसाइड करना रहेगा। तो लॉट साइज को क्या होना चाहिए, बेस्ट लॉट साइज, ठीक है, ये लॉट साइज हमारा क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, इस तरह से हमारा डिसीजन का ये पार्ट होगा। और इसी बेस्ट लॉट साइज को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी बेस्ट लॉट साइज को हम बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, बेस्ट ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं,
बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अरे बस समझ में, तो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी इसी को बोला जाता है क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, बेस्ट ऑर्डर्ड क्वांटिटी को ही बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, दैट इज ईओक्यू, दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। या फिर हम इसी बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी को बेस्ट लॉट साइज बोल रहे हैं, तो इकोनॉमिक लॉट साइज भी बोला जाता है, इकोनॉमिक लॉट साइज, और दोनों का मतलब सेम है भाई, इकोनॉमिक लॉट साइज बोलिए चाहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलिए, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में क्या बोलिए, ईवो क्यू बोलिए। तो ये हमारा डिसीजन है, ठीक, ये हमारा डिसीजन है कि हमारा जो लॉट साइज हो कैसा हो, बेस्ट हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईवो क्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक लॉट साइज, ठीक है। और इसी को देखिए, मैं सभी नेम बता दे रहा हूं, इसी को और हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर्ड क्वांटिटी। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ये जो वर्ड होता है ऑप्टिमम, ये जो वर्ड होता है बच्चे ऑप्टिमम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जो ऑप्टिमम वर्ड है ये क्या बताता है अपने को, रिक्वायर्ड को बताता है ना, या फिर आप कह सकते हैं डिजायर्ड को बताता है, आपका डिजायर्ड क्या है, तो आपका डिजायर्ड क्या है भाई, कि बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको और आप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लॉट साइज, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये इन सब का मीनिंग सेम होता है भाई, तो इतना आपको क्लियर रहे कि जब भी आपसे कोई पूछे कि इन्वेंट्री में डिसीजन की जब भी बात करते हैं तो डिसीजन क्या होना चाहिए, कि व्हाट शुड बी आवर लॉट साइज, तो आवर लॉट साइज शुड बी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक लॉट साइज और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और यू कैन से बेस्ट लॉट साइज। और इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। और हम चाहेंगे ना, जब भी कॉस्ट की बात होगी पूरे इंडस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जब भी कॉस्ट की बात होगी तो कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने की बात करेंगे, कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने की बात करेंगे। तो इन्वेंट्री में यहां पे एम की बात होती है, इन्वेंट्री में डिसीजन देख लिए, इन्वेंट्री में यहां हम बात करते हैं एम की, एम क्या होगा, डिसीजन देख लिया, अब एम की बात करें। सो टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एम होगा। इन्वेंट्री में हमारा एम क्या होगा, ऐसे पूछे कोई भी तो आपका जवाब होना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना। और ये मिनिमाइज कब होगा जी, तो मिनिमाइज कब होगा, वही ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होगा, जो ऑर्डर क्वांटिटी अभी मैं बात किया ना, कौन सा ऑर्डर क्वांटिटी भैया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ध्यान रहे कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, दैट इज TCI, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी मिनिमम एट इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और यू कैन से ईओक्यू। एकदम क्लियर रहे, मैं आगे तो और इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा भी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिनिमम होगा एट ईओक्यू। वाई, ठीक है, तो ये सब बात अपन करेंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ कुछ हमने बात किया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट टू लेके आऊंगा और पार्ट टू में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री में क्या क्या कॉस्ट की बात होती है, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इन्वेंट्री। ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं करके। ठीक है जी, सो होपफुली आपको ये वीडियो है ना काफी अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और भी अच्छा लगेगा जब आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट ये पहला वीडियो है इन्वेंट्री का। ठीक है, आगे तो और मैं कम से कम 5 to 6 वीडियोस और लाऊंगा इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। सो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इस तरह की बातें हम आगे और करते रहेंगे। ठीक, सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।